अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले उनको रथ से नगर में भ्रमण कराया जाएगा। इसके बाद रामलला की मूर्ति जल फल और अन्य में एक एक दिन रखी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरयू पूजन कर उसके जल से रामलला का अभिषेक होगा। चित्रकूट में एक छात्रा कोचिंग सेंटर से अचानक गायब हो गई। इसके बाद छात्रा मंदाकिनी नदी पुल के नीचे सीढ़ियों पर गंभीर हालत में पड़ी मिली। रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण उसे चित्रकूट से लखनऊ लाया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि कोचिंग के बाहर से बाइक सवार दो युवकों ने बेटी को अगवा किया था। गाजियाबाद में दो पुलिस वालों ने पार्क में घूम रहे कपल से बदसलूकी की। लड़के को डराने के लिए पुलिस कर्मियों ने थप्पड़ मारे, जबकि युवती पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। इसके बाद उन्हें छोड़ने के लिए 5.5 लाख रुपए की डिमांड की। शिकायत के बाद कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि होमगार्ड की बर्खास्तगी के लिए लेटर लिखा है। सीतापुर के नैमिषारण्य में रविवार को झाड़ू लगाकर सीएम ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने नैमिष धाम में माथा टेका। इसके बाद मां ललिता देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम ने कहा कि अब नैमिषारण्य में अयोध्या की तर्ज पर विकास दिखेगा। ललितपुर में शनिवार की रात पति ने सोते समय पत्नी की तवा और हसिया से गला काटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी घर से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि जमीन को अपने नाम कराने को लेकर पति का पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से उसने हत्या कर दी। वाराणसी में ई रिक्शे से जा रही महिला से बाइक सवार दो बदमाशों ने पैसों से भरा बैग छीन लिया। बदमाशों को पकड़ने के चक्कर में महिला चलते रिक्शे से गिरकर घायल हो गई। महिला के मुताबिक बैग में 1,42,000 रुपए रखे थे। शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लखनऊ में रविवार को मायावती ने यूपी उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बसपा प्रमुख ने एक बार फिर से पदाधिकारियों को एनडीए और इंडिया गठबंधन से दूरी बनाकर चुनाव ताकत से लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीएसपी विरोधी राजनीतिक साजिश की जा रही है, हर स्तर पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। मुरादाबाद में टीचर सहकर्मी के बैड टच से डिप्रेशन में पहुंची एक महिला कर्मचारी बीएसए के सामने फूट फूट कर रोई। महिला कर्मी ने बीएसए से कहा कि पुरुष कर्मी कार्यालय में कभी कंधे पर तो कभी कमर पर हाथ रख देता है। महिला ने बताया कि शिकायत करने पर हेडमास्टर स्कूल के टॉयलेट में ताला डालकर टॉर्चर करता है। प्रयागराज में करीब एक दर्जन लोगों ने हिरासत में पेशी पर आई चोरी की आरोपी महिला को छुड़ाने की कोशिश की। विरोध करने पर दरोगा को लोगों ने बुरी तरह पीटा और वर्दी भी फाड़ दी। गला दबाने की वजह से दरोगा बेहोश हो गया। पुलिस ने 6 नामजद और 1 अज्ञात पर हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। गाजीपुर में एक सौतेले पिता ने अपने ही 3 साल के बच्चे को कानपुर की एक महिला को 65,000 में बेच दिया। पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने बच्चे को बरामद कर आरोपी युवक और बच्चे को खरीदने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 1 महीने पहले ही पीड़िता से शादी की थी। फिलहाल इस